Good morning student, I hope you all are doing well and today we are going to start a new exercise, that is exercise 7.4. Now the question number first is, show that in a right angle triangle. First of all, we have to make a right angle triangle. Okay, this one is 90 degree, A B C triangle. The hypotenuse is the longest side. You have to prove this side. This side is the longest side. You have to prove this side is the longest side. Okay. How can we prove? Let's start. Solution. First of all, we have to draw. So write it. Let's draw triangle ABC in which right angle at B. Okay, we already draw it. So sorry, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. Why? Angle sum property, right? Angle sum property means the sum of the all angles of a triangle is equal to 180. So angle A is angle A plus angle C. We don't know these angles, but we know about angle B. This one is 90 degree. It means this angle is 90 degree. So angle A plus angle C is equal to 180 degree minus 90 degree. That means the sum of angle A plus angle C is equal to 90 degree. Okay, so angle A or angle C are the acute angle, because the sum of these angle is equal to 90 degree. The sum of the two angle is 90. इसका मतलब क्या हो सकता है? अगर दोनों का सम 98, डेफिनेटली सी बात है कि कोई भी इनमें से एक तो 90 होगा नहीं, 90 से कम होंगे. और जो एंगल 90 से कम होते हैं वो कैसे होते हैं? हमारे एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, राइट? तो इट मींस क्या हो जाएगा, एंगल सी. और ये आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल. ओके, सो इसे क्या प्रूव हो जाएगा, ए सी इज लॉन्गेस्ट साइड. वाई, हमने थ्योरम ऑलरेडी सीख रखी है कि किसी भी ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होता है ना, उसकी अपोजिट साइड भी सबसे बड़ी होगी. अगर ये एंगल सबसे बड़ा है तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली. इट मीन्स ये सबसे बड़ी होगी, ठीक है? तो क्या लिखोगे आप, लार्जेस्ट एंगल्स अपोजिट साइड विल बी लार्जेस्ट. ठीक है, ये मैंने अपने वर्ड में एक सिंपल सा फॉर्म लिख दिया है. मैंने कंप्लीट थ्योरम यहाँ पे नहीं लिखी है, ठीक है? बता दिया है, जो आपका लार्जेस्ट एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड भी लार्जेस्ट होती है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर टू. इन क्वेश्चन नंबर टू, इन द गिवन फिगर, यू हैव गिवन अ फिगर. इन द गिवन फिगर, साइड ए बी ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू. हियर इज ए बी एंड दिस वन इज ए सी. व्हेन यू एक्सटेंड दिस साइड, मीन्स व्हेन यू एक्सटेंड ए बी, इट विल मीट और यू कैन से एट अ पॉइंट. कहाँ तक आप करते हो? एट अ पॉइंट पी. पी तक आप इसको एक्सटेंड कर रहे हो, ठीक है? सेम आप जो ए सी आपकी साइड है उसको भी एक्सटेंड करके कहाँ तक ले जा रहे हो? क्यू तक. आपको क्या दिया है? ऑल्सो एंगल पी बी सी. एंगल पी बी सी दैट मीन्स दिस एंगल एंड क्यू सी बी. क्यू सी बी दिस वन. क्या कहा गया है? ये एंगल आपका क्या है? लार्जर. किस एंगल से? इस एंगल से. आपका ये एंगल लार्जर है और ये एंगल स्मॉलर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, राइट? तो आपको क्या करना है भाई, आपको शो करना है कि जो AC है ना, AC वो ग्रेटर देन है किससे? AB से.
ए सी ग्रेटर देन ए बी। अब आप सोचोगे एंगल तो ये बड़ा है ना, और ये एंगल स्मॉल है, तो ये कैसे बड़ी हो जाएगी? भाई अगर ये एंगल बड़ा है, अगर मैं इसको डोटेड में बताऊं तो ये लीनियर पेयर बनेगा। लीनियर पेयर अगर बनेगा तो ये एंगल कैसा आएगा? स्मॉल आएगा, क्योंकि ये तो लार्जर है, ये लार्जर है तो इसका स्मॉल पार्ट बचेगा। यहाँ पे 180 में से अगर मैं इस पार्ट को लेस करूँगी तो ये स्मॉल पार्ट बचेगा ना। अगर ये स्मॉल एंगल है, लेट्स सपोज ये 30 है और टोटल 180 है, ठीक है, ये 30 है टोटल 180 है, तो 150 बचेगा। इट मीन्स यहाँ ज़्यादा एंगल बचेगा, और ज़्यादा बचेगा तो इसके सामने कौन सी होगी? साइड ये, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा आएगी। और ये स्मॉल बचा है तो इसके सामने स्मॉल साइड बनेगी, एंगल स्मॉल है तो साइड भी तो स्मॉल होगी, राइट? बात समझ में आई? तो यही हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि हम इसको कैसे करेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन था ये, अब स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी क्या हो जाएगा भाई? 180 डिग्री। वाई? लीनियर पेयर अभी बताया था ना, राइट? ए बी सी, ए बी सी, पी बी सी मीन्स दिस वन कंप्लीट एंगल, ओके, दिस कंप्लीट एंगल। देन क्या हो जाएगा आपका? अगर मैं यहाँ से एंगल ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 180 माइनस एंगल पी बी सी, ओके, दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या हो जाएगा? अगर मैं एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी बी मीन्स दिस कंप्लीट एंगल, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो अगेन 180 डिग्री हो जाएगा। वाई? लीनियर पेयर। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? अब मैं यहाँ से एंगल ए सी बी की वैल्यू निकालूंगी। किसकी निकालेंगे? ए सी बी की। क्या हो जाएगा भाई? अगेन 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू सी बी, राइट? अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे कि इसको यहाँ पे रख सकते थे आप इस एंगल को, कंप्लीट एंगल को, ठीक है, उससे भी आ जाता। आप यहाँ पे पीबीसी लिखते क्योंकि यहाँ पे गिवन ही है। अगर आप इन टू एंगल्स को रखते और यहाँ पे बताया गया तो भी ये क्लियर हो जाता, लेकिन अपना अपना पैटर्न है, आप किसी भी वे में कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया, ये हमारी क्या आ गई? सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकेंड से क्या है, हमें क्वेश्चन में दिया एंगल पी बी सी लेस देन एंगल क्यू सी बी, ये गिवन था। तो यहाँ पे क्या प्रूव हो जाएगा भाई? 180 डिग्री माइनस एंगल पी बी सी ग्रेटर देन 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू सी बी। अब ये एंगल बड़ा कैसे हो गया? अब यहाँ तो क्यू सी बी हमारा बड़ा आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ये कैसे बड़ा हो गया? ये तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था, अगर ये एंगल बड़ा है तो इसका जो पार्टनर होगा वो तो स्मॉल होगा ना बेटा। अगर ये एंगल स्मॉल है तो इसका पार्टनर तो बड़ा हो जाएगा ना, तो डेफिनेटली सी बात है। अब मैं अगर इसको लेस करूँगी तो ये एंगल क्या आएगा? ज़्यादा आएगा, ये एंगल ज़्यादा आएगा। तो यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा? एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, इट मीन्स ए सी ग्रेटर देन ए बी, सॉरी 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 सॉरी, क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, सो एंगल ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। देखो मैंने बार बार बता दिया, आप इसको लेट सपोज भी करके देखना। अगर ये एंगल आपको मान लो ये 60 दिया है, ठीक है, अगर ये 60 दिया है तो ये क्या बचेगा? 120, राइट? क्योंकि 180 का हो जाएगा। अगर मैं इसको 30 लेट सपोज करती हूँ तो ये 150। अब जिसके सामने जो एंगल बड़ा उसके सामने वाली जो साइड वही तो बड़ी होगी। देखो यहाँ से भी ये हमारी क्या रही है? बड़ी, ठीक है। तो ये मैंने विद एग्जांपल भी बता दिया, लेट्स सपोज करके भी बता दिया और अच्छे से समझा भी दिया है। अब जो नेक्स्ट टू क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर।